हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं NV01। गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं जैसे आई हुई है स्प्लेंडर प्रो, इसका फुल इंजन का काम है। तो गाइस, हमने एक इंजन खोल दिया है, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है, सामान को बदली करना, अभी हम उसको दिखाते हैं। गाइस, अभी हम चलते हैं सामान की तरफ। तो देख सकते हैं गाइस, ये हमारे पास जैसे कि ये ब्लॉक है, ये हेड है, एक क्रैंक है और एक क्लच हाउसिंग है, जिसको क्लच हाउसिंग बोलते हैं, जिसमें क्लच प्लेट हमारा फिटिंग होता है। वह जैसे कि इन चारों का काम कराना जैसे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये चारों काम नहीं होएगा तो हमारा जो गाड़ी का इंजन है वो सक्सेस नहीं होएगा। तो इसको सक्सेस करने के लिए जो हमारा ये वायरिंग है इसको चेंज करेंगे, और ये जो बीच में कनेक्टिंग लगा है इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि फुल इंजन खोले हैं तो क्यों फुल इंजन खोलते हैं इसके भी बारे में जानेंगे। ये जो इसमें जो गजल पिन लगता है इसमें प्ले आ जाता है, तो अगर इसको बदली नहीं करेंगे तो इंजन बांध देने पे हमारा जो आवाज़ आता है टक 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 देखते हैं वो आवाज़ जारी रहे। और ये जो है इसमें वायरिंग लगता है, ये भी कटने के बाद जो प्ले रहता है, तो ऐसे ही फिटिंग कर देने के बाद हमारा जो 20 दिन तक चलता नहीं है वो वापस कट जाता है। तो ये मेन रीजन हो गया। इसको सबसे मेन है ये, इसको चेंज करना बहुत जरूरी है। एक टाइम इसको चेंज नहीं करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन इसको कराना बहुत जरूरी है। अब ये है हमारा जैसे कि हेड हो गया, जैसे कि दो वाल लगता है और कैमशाफ्ट लगता है और दो रोकर लगता है। इसका का जो है इसका वीडियो बाद में बना के चैनल पे डालेंगे। अभी इसके लिए फटाफट गाइस इसको इतना ही बता सकते हैं, जो इसका फुल जानकारी है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाकर डालेंगे। इसका आपको पूरा जानकारी देंगे, जैसे कि एक से एक इसका जो है क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इसका पूरा फुल डिटेल में जानकारी देंगे। और ये जो हमारा ब्लॉक है, ये जो इसका अंदर सुलू है, ये कट जाने के बाद हमारा काफ़ी जो रिंग रहता है डैमेज हो जाता है, ये सुलू डैमेज हो जाता है। तो इसकी वजह से हमारा जो गाड़ी रहता है धुआं, जैसे कि ऑयल उठाने लगता है और हमारा गाड़ी स्मोक करने लगता है, जैसे धुआं मारने लगता है। तो इसके अंदर जो है पिस्टन लगता है, और पिस्टन हमारा जो इसमें 4 सेक्शन होते हैं उसके भी बारे में बाद में वीडियो बना के डालेंगे। तो गाइस, अभी इसकी बारी है, इसको हम दिखाते हैं, जिसमें क्लच प्लेट फिटिंग होता है। ये देखिए, ये जो है इसके अंदर रबड़ फिटिंग होता है। ये जो रबड़ फिटिंग होता है ये अगर खराब होता है तो हमारा जो जैसे कि गाड़ी चला रहे हैं तो ये इसको जैसे चेंज नहीं करेंगे इसका रबड़, तो आवाज़ आता है, इसके अंदर रबड़ लगता है। इसको बनाकर इसी वीडियो में दिखाएंगे। जैसे कि फुल इंजन का आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। गाइस, आज का वीडियो यहीं तक है। गाइस, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।